नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी गतिविधियां चल रही हैं, चुनाव के अपने रंग होते हैं और इसीलिए आज भी कई तरह के रंग दिखाई दिए और मैं उन रंगों में से कुछ रंग आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और आज इसलिए मैं बोलूंगा कम, आपको दिखाऊंगा ज्यादा, क्योंकि ये वीडियो सीधे सीधे आपके दिल में उतरता है और आप खुद अपने आप से एक धारणा बना पाते हैं जिसमें हमारी या बीच में जो उसको एनालाइज करके आपको हम बताते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसी घटनाक्रम को देखकर, उसी वीडियो को देखकर हम कुछ और ग्रहण कर सकते हैं, हम कुछ और समझ सकते हैं और आप कुछ और समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में सीधे सीधे आपके सामने कुछ वीडियोस पेश कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का चुनावी रंग है वो कैसा है। समाजवादी पार्टी के नेता है रामगोपाल यादव, उनकी एक किताब आई है राजनीति के उस पार, और राजनीति के उस पार के विमोचन समारोह यहाँ लखनऊ में आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम की खूबसूरती ये रही कि इसमें समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के अलावा नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव तो खुद थे ही, इसके अलावा कांग्रेस के नेता भी थे और मंच के नीचे भी ढेर सारे नेता ऐसे बैठे थे जो समाजवादी पार्टी से जिनका संबंध नहीं है। और एक दिखाई दिया कि अलग अलग राजनीति और अलग अलग विचारधारा के लोग उस कार्यक्रम में जमा हुए थे। और इस मौके पर कुमार विश्वास ने कविता पाठ भी की, हालांकि कविता पाठ का कोई कार्यक्रम पहले से तय नहीं था, लेकिन चूंकि आग्रह था और वो बड़े कवि हैं इसलिए उन्होंने कविता पाठ भी किया। और उन्होंने जो वहाँ पर कविता पाठ किया है उसका एक अलग वीडियो मैंने जारी किया है जो आप इस हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी इसके साथ दे दूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस कार्यक्रम में अनोखी एक बात ये हुई, और ये हास परिहास का अवसर कैसे पैदा हो जाता है, जब इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव के मित्र हैं, सखा हैं जो कहें आप, उन्होंने जब अपनी बात शुरू की, और आप देखिए ये वीडियो, आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह की बात हुई और किस तरह का एक रंग यहाँ पर बिखर गया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कुमार विश्वास एक बड़े कवि के रूप में रह जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अभी नेताजी हमसे कान में कह रहे हैं कि अगर ये कहीं नहीं है तो इनको समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं बुला लेते। सब लोग समर्थन में। और अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में जो गठबंधन होना है उसके बारे में। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये दोनों का गठबंधन नहीं हो पाएगा और कोई बात बनी नहीं और ये बातचीत टूट गई है, जबकि अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने दोनों ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया है। और जो ट्वीट बताता है, जो इस वक्त ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, वो ये बताता है कि दोनों के बीच में बातचीत टूटी नहीं है, दोनों एक एक कदम कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बाधाएं हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को पार करते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सियासी मजबूरी भी है और दोनों की सियासी जरूरत भी है, शायद ये दोनों दल समझ रहे हैं और इसीलिए ये बातचीत लगातार जारी है। और ऐसी जानकारी आ रही है कि चूंकि रालोद अभी किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम में जाटों का एक ऐसा गठजोड़ बन गया है, जाटों के बीच में एक ऐसा मैसेज चला गया है, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि रालोद को उम्मीद है कि वो ज़्यादा सीटें जीत सकता है और इसीलिए उसने ज़्यादा सीटों की डिमांड रखी है। वो हम आकलन इस वक्त नहीं कर सकते कि वो कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक जो मीडिया में जो चर्चाओं में जो बातें आ रही हैं कि वो 40 सीटें मांग रहे हैं, और 40 सीटों के आसपास में कोई समझौता हो जाएगा, वो 30 से 35 हो सकती हैं, 32 हो सकती हैं, क्या होंगी वो तय नहीं है अभी, लेकिन इसको लेकर एक अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं ये दोनों दल। लेकिन दोनों की मंशा साफ है कि अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो दोनों की स्थिति मजबूत रहेगी, और इसीलिए ये अभी तक कसमकस जारी है लेकिन बातचीत भी जारी है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अभी पश्चिम में चूंकि
अखिलेश यादव ने कुछ दूसरे दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो जाहिर है कि पश्चिम में वो उनकी कुछ उम्मीद होगी जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, और उनकी उम्मीद होगी कि वो समाजवादी पार्टी से उनको वहां पर टिकट मिलेगा। तो इस तरह के एक दबाव में भी समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा आज एक तस्वीर और दिखाई दी कि ओम प्रकाश राजभर ने आज मुजफ्फरनगर में एक मीटिंग की है, कामयाब मीटिंग की है। उन वो जिन जातियों को साथ में लेकर चल रहे हैं उनकी जातियों की संख्या वहां भी है, और वो पिछड़े समाज से और अलग अलग जो छोटे छोटे समूह हैं अलग अलग जातियों के, उनके बीच में एक उनका अपना ठीक ठाक संवाद है। उस संवाद के जरिए वहां पर वो उम्मीद जगा रहे हैं उन लोगों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था आज के 7 साल पहले कि हम पश्चिम में हाईकोर्ट देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? 7 साल बीत गया, आज तक नहीं दिया, और आगे देखिए क्या खेल होता है। हमारे मोदी जी ने कहा था आए गरीबों घबराओ नहीं, आए गरीबों घबराओ नहीं, 14 दिन में गन्ना का भुगतान करूंगा, आए किसानों घबराओ नहीं, 14 दिन में किसानों का भुगतान होगा, और गन्ना लेके इधर से हिलो जो उधर पैसा ले लो, गन्ना का भुगतान भाई ये भाजपा है। अभी उत्तर प्रदेश से जाए पे जाए के अंदर तैयारी बा, यही बदे हम बहुत कुछ नहीं, आपसे सिर्फ इतना कहूंगा साथियों कि आपस में जो प्रदेश में नफरत की राजनीति भाजपा ने पैदा किया है, हम भाईचारा की राजनीति शुरू करें, हम मिल्लत की राजनीति शुरू करके हम हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करें। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि पश्चिम में ओम प्रकाश राजभर ने जो ताकत बतौरने की कोशिश की है उस ताकत के साथ वो भी वहां कुछ सीटों की मांग कर सकते हैं, उनके लोग हैं वहां उनकी वो उनके लिए वो डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह के एक मिले जुले दबाव में समाजवादी पार्टी है, और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी अब निश्चित रूप से उसको फैसला लेना पड़ेगा कि पश्चिम में सीटों का बंटवारा किस तरह से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अभी कल तक जो चर्चा चल रही थी शिवपाल यादव के साथ, शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाज पार्टी के साथ उनका, प्रसपा के साथ उनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर खबर आ रही थी कि शिवपाल यादव ने कोई चेतावनी दे दी है। तो ये सारे दबाव समाजवादी पार्टी के ऊपर गठबंधन के लिए है, लेकिन अभी गठबंधन चूंकि इन छोटे दलों के साथ पश्चिम में फाइनल नहीं हुआ है, शिवपाल यादव के साथ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह की राजनीतिक समीकरण इस वक्त बन रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में 2-4 हफ्ते के अंदर कुछ नतीजे सामने आएंगे। इस बीच बहुजन समाज पार्टी से खबर यह है कि मायावती ने आज सभी 86 जो सुरक्षित सीटें हैं उनको लेकर उन्होंने एक समीक्षा बैठक की है। सभी उन्होंने पदाधिकारियों को, वहाँ के जिला अध्यक्षों को और जो प्रभारी हैं वहाँ के उनको बुलाया था और इसकी समीक्षा की है, और उन जगहों पे उनकी लड़ाई कैसे होगी, वो कैसे चुनावी मैदान में अपने किस मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगी, उसके लिए एक उन्होंने एक पंपलेट भी जारी किया है। उस पंपलेट में खास तौर पर ये बताया गया है कि मायावती ने अपने कार्यकाल में जब भी वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, वो 3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उन्होंने किस तरह के कार्य किए हैं, तो उन कार्यों को लेकर पार्टी का निर्देश ये है, पार्टी नेतृत्व का निर्देश यह है कि उन कार्यों को लेकर वो जनता के बीच में जाएं। इसके अलावा बसपा नेतृत्व ने यह भी कहा है कि सुरक्षित सीटों पर जहां पे भी सवर्ण जाति के मदद की जरूरत पड़ेगी, सवर्ण जाति के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को अधिकृत किया है कि वो उस स्थिति को देखें और उसके लिए वहां पर सहयोग करने के लिए वो एक ऐसी परिस्थिति बनाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं। इन सब के अलावा एक तस्वीर है भाजपा खेमे से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आजकल उत्तर प्रदेश में हैं, कल वो गोरखपुर में थे, आज वो कानपुर में हैं, और कानपुर में वो लगातार अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुद्दे गिना रहे हैं कि उन मुद्दों पर वो लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें, और जिन मुद्दों पर उनको अपनी बात रखने के लिए कहा जा रहा है उनमें एक मुद्दा किसानों का भी है, क्योंकि किसानों को लेकर ये एक धारणा बन रही है कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो कैसे लोगों के बीच में जाकर बताए कि किसान भी उनके साथ हैं और उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। और इसीलिए जेपी नड्डा ने
किसानों के लिए भाजपा की सरकार ने क्या किया है, मोदी की सरकार ने क्या किया है, योगी सरकार ने क्या किया है, ये अपने कार्यकर्ताओं को बताया है। और वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि उन्होंने जेपी नड्डा ने किन बात को रखा है, किस बात को रखा है अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के सामने। अगर मैं किसानों की बात कहूं, मैंने कल भी कहा था गोरखपुर में और आज मैं यहां भी कहता हूं, किसान नेता के नाम से बहुत लोग जाने गए, बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे किसान नेता लगाने का प्रयास किया, किसानों को गुमराह भी किया और किसान के नाम पर लंबे समय तक राजनीति भी की, लेकिन किसानों का भला किसी ने नहीं किया। अगर किसानों का भला किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, चुनाव आए नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कितना किसान का कर्जा माफ करते थे, 57,000 करोड़ रुपए, ऊंट के मुंह में जीरा, कोई काम नहीं, राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 153 करोड़ रुपए देकर, 1,00,000 करोड़ रुपए देकर के उन्होंने 10 किस्तों में 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए के हिसाब से 10 किस्तें पहुंचाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आदरणीय मोदी जी ने किया। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 2,54,00,000 किसानों के खाते में यह पहुंचा दिया है रकम, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं खाद की बात करूं और मैं फर्टिलाइजर की बात करूं, तो फर्टिलाइजर के लाइन में लग करके लाठियां चलती थी, ये नीम कोटेड करने का काम और इस तरीके से किसान तक ये सामग्री पहुंच सके इसकी चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अगर मैं डीएपी की बात करूं तो 2400 की बोरी 140% सब्सिडी देकर 1200 रुपए में पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 29 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है, 29 करोड़ किसानों ने। कानपुर में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी आज ओबीसी पर काफी गरम दिखाई दिए, उन्होंने ओबीसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया और इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह की बात की है वो मैं चाहता हूं कि आप सीधे सीधे उनको वही देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। हर व्यक्ति जानता है कि ओबीसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है, अब दंगा नहीं दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें, अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की बात कही है, जब अब्बा जान और जिन्नावादी इस तरह की बातें जो मंच से कही जा रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए, यानी चुनावों में इस वक्त एक करवाहट भी धीरे धीरे घुलती जा रही है, ये भी एक चुनाव का रंग है जो दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।